नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उत्सव में आरव भी अपना योगदान दे रहे हैं। 10 साल के आरव भारद्वाज के दिल में नेताजी के लिए गजब की दीवानगी है। आरव मणिपुर के INA मेमोरियल से दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल की 2500 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। 10 साल के आरव साइकिल से ये दूरी तय कर रहे हैं। अपनी यात्रा के क्रम में आरव भारद्वाज अररिया के मोहिनी देवी स्कूल पहुंचे। यहां सांसद प्रदीप सिंह ने आरव का पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हम INA मेमोरियल मोयरांग से साइकिल यात्रा पे चले हैं 14 अप्रैल को, और ये यात्रा जाएगी नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली, जो है 2500 किलोमीटर, वो भी 32 दिन में। तो पहले तो मैं ये यात्रा कर रहा हूँ, मैं ये यात्रा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस और 125वीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के लिए कर रहा हूँ। तो मन में कैसे ख्याल आया, ये इतनी दूर साइकिल कैसे चला पाओगे? बचपन में मैं बहुत एडिक्टेड था साइकिल चलाने से, और मेरे दादाजी मुझे फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ सुनाते थे, तो फिर सबसे ज़्यादा मुझे नेताजी पसंद थे, तभी मैंने उनके INA और नेताजी के लिए एक यात्रा प्लान की। वहीं आरव के पिता अतुल भारद्वाज भी इस यात्रा में बेटे का साथ दे रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ ज़्यादा था, तो जैसे कि पिताजी ने भी बताया होगा, आरव ने ही बताया होगा कि वो काफ़ी हद तक उनको स्टोरी सुनाते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और फ्रीडम फाइटर्स की। तो इस साल जब ऑनरेबल PM मोदी जी ने डिजिटल स्टैचू होलोग्राम वाला जो इंस्टॉल किया था नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली पे, तो आरव ने कहा कि मुझे वहाँ जाना है। तो उसी उपलक्ष्य में फिर हमने सोचा कुछ अलग किया जाए। 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो हमने ये प्लान किया क्यों ना हम एक काम करें कि जहाँ पे नेताजी ने सबसे पहली बार हमारा INA का ट्राइकलर होस्ट किया था, जो INA मेमोरियल मोरांग में मणिपुर में, वहाँ से हम यात्रा शुरू करेंगे। इसी कारण हमने 14 अप्रैल को वहाँ से यात्रा शुरू करी, और मैंने कहा अब हम नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली जाएंगे तो इस ट्रिप से होके ही जाएंगे। वहीं अररिया के सांसद प्रदीप सिंह भी आरव के साहस से प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा कि नेताजी के लिए इस बच्चे के मन में दीवानगी और जुनून काबिले तारीफ है। जो राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, जो इनके इनके मन में जो उद्गार है, वह आज देखने को मिल रहा है। मणिपुर से चल के दिल्ली वार मेमोरियल हॉल तक ले जाएंगे, निश्चित रूप से इनको मैं बधाई देता हूँ और पूरे देश के तरफ से मैं बधाई देता हूँ। बड़ा ही साहसी और नेक काम, इससे यह पता चलता है कि भारत के एक एक बच्चों के मन में, एक एक लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव है, समर्पित भाव है, यह दिखता है। तो आज के शुभ अवसर पर मैं पुनः भारद्वाज को बधाई देता हूँ कि 10 साल के बच्चे और उनके नेता के पिता को भी इन्होंने बड़ा साहसिक काम किया है, राष्ट्रीय प्रेम दिखाया है, राष्ट्रीय भाव दिखाया है। कि गर्मी में वहाँ तक चलना यह आसान काम नहीं होता है, यह निश्चित रूप से इसके मन में देश के प्रति जज्बा है। ऐसे बच्चों को मैं सलाम करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ, वो आगे बढ़े, इससे प्रेरणा मिलेगी संपूर्ण देश के बच्चों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती और स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के मौके पर आरव का ये साहसिक कदम नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। नेताजी के लिए आरव का जुनून लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पंजाब केसरी TV के लिए अररिया से राकेश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।